होंडा सिविक है 2019-20 वाली न्यू मॉडल। इसके अंदर ये लाइट ब्लिंक कर रही है जब मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। इसकी लाइट देखें, ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव है भी इस वक्त। जब आपका इग्निशन स्विच ऑन होता है तो उसको इनएक्टिव हो जाना चाहिए और स्टार्ट हो जानी चाहिए गाड़ी। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। इसमें बेसिकली इसका इंजन जो ECU है वो रिप्लेस हो चुका है, तो रिप्लेस होने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग होना ज़रूरी है, उसकी प्रोग्रामिंग का इशू है वो। ये है लॉन्च का स्कैनर। जब आप कोई किसी गाड़ी का इंजन ECU रिप्लेस करेंगे तो आपने उसके फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम इनएक्टिव करके इंजन को स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले आपने इसका इग्निशन स्विच ऑन करना। इग्निशन स्विच ऑन होगा, आप देखेंगे लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको शो करा रही है कि इसकी इम्बलाइजर जो है ना इसका ऑन है। तो फिर आपने इसकी जो उसमें सेलेक्ट करना है अपने होंडा, तो आपने इस तरह होंडा आगे प्रोसेस चलाने के बाद आप जब इस स्टेप में आएंगे तो आपने इन चार ऑप्शन के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज स्पेशल फंक्शन में जाना। इसमें आप देख रहे होंगे इन सब में आपने IMMO में आके ना क्लिक करना है। के बाद इमोबिलाइजर रिप्लेस स्मार्ट यूनिट रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्टर्ड कोड 0EE बता रहे हैं, इसमें दिखा हुआ है। देखिए रिप्लेस ECM PCM आपने चेंज करा है या रिप्लेस स्मार्ट यूनिट चेंज करा है, ये आप सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो हमने इसका रिप्लेस ECM रिप्लेस करा। उसके बाद पे लिखा हुआ टर्न द इग्निशन स्विच टू ऑफ, डोंट प्रेस द फूट ब्रेक एंड प्रेस द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको इंजन स्विच ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने इसको करना है ओके। तो ये देखिए कह रहा डू नॉट इंसर्ट द कीज एक्सेस रिमोट इवन इफ द कील्स इंटरेस रिमोट स्लॉट इज अवेलेबल, टर्न द इग्निशन टू ऑन, डोंट प्रेस द फूट ब्रेक। ठीक है, तो आपने दोबारा इसको इग्निशन स्विच ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें इसको करना है ओके। कम्युनिकेशन हो रही है, वेट का बोल रहा है। टर्न द इग्निशन स्विच टू ऑफ, हमें अगेन इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। प्लीज चेक वन ओरिजिनल कीज एक्सेस रिमोट टू इनटू द व्हीकल। ठीक है, वो है हमारे पास, तो हम इसको कर देंगे ओके। टू नॉट इंसर्ट द कीस, और इग्निशन स्विच ऑन करने का बोल रहा है, हम इसको इग्निशन ऑन कर देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे ओके। तो द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ, हम इसको कर देंगे ऑफ। देन इसको करेंगे ओके। ठीक है ओके, अब दोबारा हम करेंगे ऑन। अब हम करेंगे इसको ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो ब्लिंक नहीं कर रही, और मैं करूँगा इसको स्टार्ट। अब ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी सिक्योरिटी सिस्टम थी, हमने उसको गाड़ी के मुताबिक ओके कर दिया, जिसकी वजह से उसको सिग्नल प्रॉपर करेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हुआ। एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है ये कि एक गाड़ी से इंजन ECU निकाल के अब दूसरी गाड़ी में लगाएंगे, तो जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है।